नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास फाइव का हिंदी बुक का चैप्टर नंबर टू टिप टिपवा। ठीक है, इस अध्याय का सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, जो हल है, उत्तर है, वो हम आपको बताएंगे। आप लोग सारा का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से सारी का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर है आपका अभ्यास में बातचीत के लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर वन हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, या फिर इसका उत्तर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, जिस तरह से हम आपको दे रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर लिखा हुआ है, इसमें लिखिएगा, हाँ मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलने लगता हूँ। उस हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है, आपको कहानी कौन कौन सुनाता है, उसका लिखिएगा, दादा दादी मुझे कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, टिप टिपवा कौन है, बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? उत्तर में लिखिएगा, टिप टिपवा और कोई नहीं, घर की छत से टिप टिप करता पानी की बूंद है। बाघ उसका नाम सुनकर इसलिए डर गया कि वह उससे भी कोई भयानक जानवर होगा। बाघ जब टिप टिपवा का नाम सुना तो वह इसलिए डर गया, वह सोचने लगा कि टिप टिपवा जो है वह शेर से, मतलब बाघ से भी भयानक जानवर है। ठीक है, उससे भी शक्तिशाली है। ठीक है, इसलिए वह उससे डर गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? ठीक है, लिखिएगा उत्तर में आप लोग, पंडित जी बारिश का जमा पानी किसी बर्तन में भरकर घर के बाहर डाल रहे थे, अर्थात उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है आपका, यहाँ पर कहानी में भोला किस पोथी को बचाने की बात करता है? ठीक है, भोला जो है किस पोथी को बचाने की बात, या बचाने होता की बात करता है। चलिए इसमें उत्तर लिखिएगा, कहानी में भोला पंचांग देखकर गधा के विषय में बताने को कहता है कि आखिर वह किस जगह है, वह मिलेगा या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फोर नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब पाँच नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए आपका क्या कह रहा है, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपवा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, का उत्तर लिखिएगा आप लोग, दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर जाड़ा गर्मी बरसात के साथ साथ भयानक जानवरों से रक्षा करता है, लेकिन जोरों की वर्षा के कारण, ठीक है, जोरों की जब बारिश होती है अस्थिर हो जाती है, छत से पानी टपकने के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ फिर मुश्किल हो जाता है लिख सकते हैं। ठीक है, तथा घर का सामान भींग रहा है। देखिए दादी ने ऐसा इसलिए कहा कि टिपटिपवा का जो डर है वह शेर बाघ से डर जो है उससे बढ़कर है। ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शेर बाघ अगर आएगा तो घर में हम छिप सकते हैं, उससे बच जाएंगे, लेकिन अगर भयानक बारिश होती है तो घर में पानी टपकेगा। ठीक है, नहीं तो बगल से भी पानी आ सकता है या फिर कहीं से भी पानी आ सकता है घर में। ठीक है, तो इसलिए दादी ने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका छः नंबर, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर छः आपका कह रहा है, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लट्ठा
में क्यों ले लिया होगा। ठीक है, लट्ठा जो था मोटा क्या था, बांस था खा, ठीक है, जिसे आप लोग अपने भाषा में समझते हैं डंडा। ठीक है, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लट्ठा लट्ठे यहाँ पर, ठीक है, साथ में भयानक जीव जंतुओं की से रक्षा करने तथा गधे पर अपना क्रोध उतारने के लिए लिया होगा, क्योंकि उसने दिन भर उसे यहाँ पर होता उसे दिन भर भींगते हुए गधे की खोज की थी। उसने दिन भर जो है भींगते हुए गधा की खोज किया था, इसलिए उसे गुस्सा होगा, इसलिए वह लट्ठा ले लिया था कि अपना गुस्सा उसी पर उतारेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका अगला है कहानी में से, ठीक है, मतलब कहानी में से आपको सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, भोला पंडित जी के पास क्यों गया। भोला जो था वह पंडित जी के पास गया था, ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्यों गया था, चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, भोला पंडित जी के पास अपने गधे के बारे में जानकारी लेने गया था, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें भूत भविष्य की जानकारी थी, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वह सब कुछ बता देते थे। ठीक है, इसलिए भोला जो था वह पंडित जी के पास गया था, वो उनसे पूछता कि मेरा गधा कहाँ है, आप लोग अपना शास्त्र देकर बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, यहाँ पर बाघ टिपटिपवा के डर से कहाँ छिप गया। ठीक है, लिखिएगा उत्तर, बाघ टिपटिपवा के डर से एक तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिप गया। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर, क्या कह रहा है, गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग देखिए, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, गांव वालों की आंखें भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे, यहाँ पर होता बंधे, ठीक है, बंधे बांध बांगे बाद, यहाँ पर होगा बाघ, ठीक है, बंधे बाघ को देखकर खुली की खुली रह गई। गांव वालों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि भोला ने बाघ को क्यों बांध रखा है अथवा कैसे बांधा, मतलब क्यों बांधा है और किस कारण से बचा, कैसे बांधा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसीलिए गांव वालों की आँख खुली की खुली रह गई। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बारिश ही बारिश, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। ठीक है, ऐसा आपको हिंट दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या होगा, जगह जगह से पानी गिर रहा था तो दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर लिखिएगा आप लोग, दादी ने बारिश से बचने के लिए घर के उस भाग में चली गई होगी जिधर पानी नहीं टपकता होगा, अथवा छप्पर पर घास फूस डलवा दी होगी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, आप या आपके मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, तो आप उत्तर लिखिएगा, हम अथवा हमारे गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पूर्व ही घर के छप्पर की मरम्मत करते हैं, ताकि वर्षा के समय सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके बिता सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए, बताइए कि निम्नलिखित लोग को बारिश के कारण मतलब क्या क्या परेशानी हुई। ठीक है, वो आपको बताना है, इधर व्यक्ति का नाम दिया गया है, इधर आपको परेशानी लिखना है। ठीक है, दादी को क्या परेशानी हुआ, पंडित जी को, बाघ को, भोला को, तो चलिए हम एक एक करके सभी का परेशानी को देख लेते हैं। चलिए पहला है दादी, ठीक है, दादी की परेशानी आप लोग देखिए, छप्पर से पानी यहाँ पर टपकने, ठीक है, टपकने होता, टपकने के कारण घर का सामान भींग गया और सोने में बाधा पहुंची।
टपकने आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगला है पंडित जी। वर्षा के कारण पंडित जी के घर में पानी जमा हो गया, दिन भर उन्हें पानी उलीचना पड़ा, फलता हुआ काफी थक गए। यह हो गया पंडित जी का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बाघ है। ठीक है, वर्षा के कारण ही बाघ को जान बचाने के लिए झोपड़ी के पीछे आना पड़ा और टिपटिपवा का नाम सुनकर भयभीत, चलिए फिर से देख लेते हैं, बाघ का देख लेते हैं। ठीक है, वर्षा के कारण ही बाघ को जान बचाने के लिए झोपड़ी के पीछे आना पड़ा और टिपटिपवा किया का नाम सुनकर भयभीत होना पड़ा तथा भोला के हाथों मार खानी पड़ी। ठीक है, भोला का देख लेते हैं। वर्षा के कारण ही उसका गधा कहीं चला गया और भोला को वर्षा में गधे की खोज करनी पड़ी, जिस कारण वह भी काफ़ी थक गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे कहानी की दुनिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। यहाँ बॉक्स में आपको अंक भरना है। ठीक है, जो सबसे पहले हुआ, ठीक है, उसमें लिखना है 1, 2, उसके बाद उसमें 2, उसके बाद 3, मतलब क्रमबद्ध आपको सजाना है। चलिए हम लोग सजा कर आपको देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक में लिखिएगा, दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, दादी ने कहा टिपटिपवा बाघ से भी बड़ा होता है। गति में भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। चार में बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। पांच में भोला ने बाघ को गधा समझकर खूंटे से बांध दिया। छह में गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। लिख लीजिएगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है आपका 2 नंबर, कहानी में शेर और बाघ की बात आई है, नीचे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो है शेर है, ठीक है, और ये जो है बाघ है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको लिख लेना है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कहानी, अगला क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर, क्या कह रहा है, बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, सही उत्तर पर सही निशान लगाएं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं। बाघ भोला से डर गया था, गलत हो जाएगा। बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपवा से बचाएगा, ये भी गलत हो गया। बाघ ने मोटे लट्ठे को टिपटिपवा समझ लिया, ये आप सही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप सही दे दें, 2 नंबर आपका सही है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका क्या कह रहा है, कहानी और आप। ठीक है, कहानी और आप, और इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वाले वीडियोज़ में, इसके बाद वाले, यहाँ से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग आज तक इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।